ए रंग कदे नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने साडी फरमैश ते। खजूरों का मौसम है जी और हमारे गांव में खजूरों की भरमार है अभी माशाल्लाह से। जिस जिसने गांव के बच्चे भी माशाल्लाह एक्सपर्ट होते हैं हाँ, ये अपने भांजो भतीजों के कपड़े धो रही होगी। आराम आराम से, घास नहीं हुआ मैं। घास को क्या होगा फिर? हाँ ये खाद ऐसे करके ना पानी में डाल दें, खाद भी काफी सारी गिर गई अच्छी खासी। ये दो खादों को मिक्स किया हुआ है, एक है DAP और एक है सोना यूरिया। पानी भी अभी पहुंचा है और ऊपर जो है ना फिर से घने बादलों ने डेरा डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। दो तीन दिन के बाद आज थोड़ा सा जो है ना दिन निकला है, हमने सोचा कि चावलों को कुदरती पानी तो जो लग गया सो लग गया, आज जो है ना इनको खाद डाल के तो जो ट्यूबवेल का पानी है वो लगा दें। खाद लेके आए, ये सामने छटाई हो रही है खाद की, लेकिन जैसे ही ट्यूबवेल चलाया ये देखें ऊपर तो इतने घने बादल आ गए कि बहुत ज़्यादा, और वो भी चारों तरफ से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हमने यहाँ पर बीज लगाया था ना, तो ये सेंटर में आपको एक थोड़ी सी लकीर नज़र आ गई, ये जहाँ पर अभी खाद की छटाई हो रही है ना, ये सारा बीज मैंने इस साइड पे लगवाया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वाला बीज जो है ना उग जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजी ऐसी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से कि ये वाला जो है ना उस वाले बीज से भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। आज इसको खाद वगैरह मिल रही है तो अभी इसके जो रंग है ना वो एक हफ्ते तक देखने वाले होंगे इंशाल्लाह अल-अज़ीज़। ये देखें ना, अब चावल का पौधा जो है ना उसने अपनी जड़ें वगैरह पकड़ ली हैं, ये चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें खाद के ज़रात। बेगम साहब अभी तशरीफ ला रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज मैंने सोचा कि मौका गनीमत है, धूप निकली हुई है, क्यों ना जो है ना फसल में खाद की छटाई करा दी जाए। और बोर चलाया जाए, ट्यूबवेल चलाया है, लेकिन जैसे चला के हम लोग यहाँ तक पहुँचे वैसे ही ऊपर बादल आ गए। बादल आ गए, तीन दिन तो मुसलसल बारिश ने कूटा है, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि और आए और आए और आए, लेकिन खाद डलवाने का नुकसान भी कोई नहीं है। पूछो कैसे, अगर भले हमारा ट्यूबवेल बंद भी हो जाए, बादल भी आ जाए, बारिश आ जाए, तो वो भी यही काम कर जाएगी ना जो हम कर रहे हैं। हाँ, और उस पानी में और इस पानी में बहुत फर्क है। मैं देखो घास होना शुरू हो। हाँ तो घास तो हो गएगी, अभी पहली खाद लग रही है, इसके बाद फिर जो है ना वो दूसरी स्प्रे की जाएगी जो कि इसको फायदा देती है और जो घास उगता है ना उसको जो है ना वो डेड कर देती है। हाँ अभी वो खाद गिरी है यार, अभी अच्छी खासी। हटो ना जरा, ये देखें जी यहाँ से जो है ना भाई उठा रहे थे तो बस हाथ से फिसला है तसला और सारी जो है ना ये गिरी है। देखो पानी में लोड दे, मैं इसे एक काम करते हैं ना, इसे पानी में अभी वो आ रहा है ना, या ये कस्सी लेके आओ। ये देखें जी काफी सारा नुकसान हुआ पड़ा है, इसको कस्सी के साथ जो है ना इस खाले में डाल देंगे क्योंकि पानी जैसे ही ऐसे जाएगा ना तो ये इसी पानी के साथ ही ऐसे बह जाएगी। कह तो देता हूँ तुम्हें काम, लेकिन मुझे पता होता है कि तुम बेचारी कर नहीं सकोगी। नहीं नहीं क्यों नहीं कर सकूंगी, सारे काम कर लेती हूँ। खैर है, दिन देखी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी के। आराम आराम से, घास नहीं हुआ मैं। घास को क्या होगा? हाँ ये खाद ऐसे करके ना पानी में डाल दें, खाद भी काफी सारी गिर गई अच्छी खासी। ये देखे, ये देखे नुकसान सुबह सुबह नुकसान। कोई बात नहीं चले, हाँ ऐसे पानी में गिरा दो ताकि ना यही खाद ना पानी के जरिए चली जाए अंदर। ये देखे, और वो अहमद का कज़न खाद छांट रहा है फसल में, इससे चावलों की ग्रोथ भी अहमद साहब अच्छी होगी ना। माशाल्लाह हफ्ते के बाद रिजल्ट दिखाऊंगा आप सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहन भाई आप दुआ करना, जिस जिसने चावल लेने अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे और ये चावल आपको खाना नसीब करे। आमीन आमीन सुम आमीन।
हाँ चलो अल्लाह ने बचा लिया तुम्हें भी। अच्छा एक काम करो, कहाँ जा रही हो? मामू की तरफ जा रही हो? अपने घर से तो तुम भूल गई हो पानी लेके आना। मामू के घर से पानी का जग भिजवा दो, लड़के खड़े होंगे उनको बोलो पानी दे के आ जाओ जल्दी से ना। ठीक है मैं इधर ही रुका हुआ हूँ। हैं किसको? तुम आ रही थी तो तुम लेके आ जाती, तुम्हें पता तो है कि उधर काम कर रहे हैं, प्यास लगी होगी। यहाँ से भिजवा दो जल्दी से, जल्दी जल्दी भेजो। अभी देखें सनलाइट जो है ना वो पड़ी है और पानी का बहाव देखें माशाल्लाह कितना तेज़ हो गया। ये देखें कैसे तेज़ आ रहा है, वरना बिल्कुल डाउन हो गया था। गांव के बच्चे भी माशाल्लाह एक्सपर्ट होते हैं। हाँ ये अपने भांजो भतीजों के कपड़े धो रही होगी। कहने कपड़े धोने बैठी? एक अपने भांजे का धो रही है और एक खुद का धो रही है। बर्तन खाली हो गए जी, बर्तन लेके चल रहे हैं घर की तरफ। और बैड कमेंट्स मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग जो है ना नेगेटिव सोच रखते हैं, वो कहेंगे कि अहमद भाई इसी टब में आप जो है ना चावल वगैरह डालते हैं और इसी टब में जो है ना आपने खाद डाली हुई है। तो हमने ये दो टब हैं हमारे पास, बल्कि तीन हैं। एक हमने कपड़े वगैरह धोने और इसी इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, और बाकी जो हैं वो हमने खाने और पीने के इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं। तो प्लीज़ उनके कमेंट से पहले जो है ना मैं उनका जो है ना जवाब दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। धूप भी माशाल्लाह से चमचमाती हुई निकल आई है और अल्हम्दुलिल्लाह से फसल भी जो है ना हमारा वो भी सैराब हो रहा है, लेकिन अभी पानी देखें जी वाइट वाइट हो गया सारा ना, ये खाद का असर है। ये देखें झाग बन रही है बिल्कुल वाइट वाइट, ये सब खाद का असर है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पर इसको एक घंटा पानी लगे ना वहाँ पर इसको दो घंटे हम एक्स्ट्रा पानी देंगे, ताकि फिर जो है ना पानी इसमें से सूखे नहीं, बारिश भी हो जाए ना तो वो भी इसके साथ मिल जाए और ये फुल भर जाए फुल। मैं आखदा जिथा घंटा पानी लाऊ ना उथा आप को दो घंटे पानी लाऊ फुल भरी जानी, ओ उत्ते तक यहाँ तक जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि भर जाए, जो वाला दो जहाड़े पानी लावन की लोड़ ही ना पवे। पानी का रंग देख बिल्कुल झग बन गई, खाद खाद दा असर है ना। और कहना हो से हूँ बस यहाँ पर उसको कह रहा है कि शायद थोड़ी बहुत जो हो वो भी जो है ना निकल जाए कैसे कह नहीं हूँ बस छोड़े। बेगम साहबा भी इधर आके बैठ गई हैं, एक बोतल पानी मंगाई थी वो भी ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर, दूरों को मौसम है जी, देखें कितनी कैटेगरी की खजूरें जो है ना वो यहाँ पर सुखाई जा रही हैं। जब हमारा बचपन हुआ करता था ना हमारा तो, ऐसा घर चला, सुनो तो सही ना, तो जब हम छोटे होते थे और अपनी नानी के घर आते थे ना तो ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी ये चार पाइयाँ जो है ना ये भरी हुई होती थी लाइन से, और छत पे जो है ना आधे से भी ज़्यादा छत के ऊपर सुखाया जाता था। बचपन गया, बचपन की सारी बातें गई। और ये जो खजूर यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं ना ये तो थोड़े से हैं और ये यहाँ पर ऐसे जंगल की तरह बड़े गए, बरकतें गई। हाय 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 हाय, अपना हिस्सा घर पहुँच गया। आज मेरे ख्याल में ये वाले खजूर जो है ना छटवाए हैं, ये मामी का हिस्सा रखा है। अच्छा हाँ जी, उस घर से निकल के इधर आए तो इधर भी जो है ना देखें चार पाई पे पूरी सुखाई जा रही है। इधर आओ दिखाओ दिखाओ, मैं जा रहा हूँ घर पे, इकट्ठे चलते हैं ना। आ जाओ, ये देखें जी ये बारिश की वजह से तकरीबन दो दिन और अगर इनको ना तोड़ते दरख्त से तो ये सारी खराब हो जानी थी। अल्लाह का शुक्र है आज कुछ धूप तो निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। बेगम साहबा गर्मी से भाग के गई, कह रही है जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ। गर्मी हो तो हम कहते हैं बारिश हो, बारिश हो तो हम कहते हैं कि या अल्लाह बस कर दे अभी काफी हो गया, बस अब हम डूब गए मर गए ये हो गया वो हो गया। सर्दी हो तो गर्मी हो, गर्मी हो तो बारिश हो, बारिश हो तो ना हो सैलाब का खतरा होता है। पता नहीं हम लोग कब सही होंगे। अब देखें जैसे कुछ दिन पहले मैं आप सबसे कह रहा था कि आप सब भी दुआ करें कि हमारे इलाकों में बारिश हो जाए, तीन दिन बारिश हुई है, तीन दिन में इलाके वाले सारे या अल्लाह आज तो सूरज भेज दे, या अल्लाह अब बारिश काफ़ी हो गई, या अल्लाह अब रहम कर दे। मैंने तो सही तरीके से एंजॉय किया जी बारिश को, सुकून के साथ बड़ा पकौड़े वकौड़े खाए, बड़ा एंजॉय किया। खैर आज गर्मी फिर से लौट आई। ए रंग कदे नहीं पाया तैं पाके नहीं अजमाया,
अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते। इसकी सरायकी में और मेरी सरायकी में आप फर्क जो है ना चेक करें। अब यही वर्ड जो है ना मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते। अब... रंग कदे नहीं पाया तै पाके नहीं विकाया, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते। चलें जी, बेगम साहबा की ये फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी, क्योंकि तीन दिन से बेगम साहबा ने इसको प्रेस करके रखा हुआ था जब बारिश वगैरह हो रही थी, तो लेकिन मैंने कहा हाँ आज पहनूंगा, हाँ कल पहनूंगा, हाँ आज। एक तो मौसम जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहा था, क्योंकि बाहर निकलते थे फिर कपड़े भीग जाते थे, बारिश ही बारिश, तो फिर मैंने कहा आज बेगम साहबा की ये फरमाइश भी क्यों ना पूरी कर ही दी जाए। ये लाहौर से मेरे ख्याल में दोस्त ने गिफ्ट किया था ना। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खुश? हाँ जी। कितनी खुश? दिल बाग बाग हो गया। तुम्हारा दिल तो बाग बाग हो गया, लेकिन हमारे पहनने पे भी एतराज है, हमारे खाने पे भी एतराज होता है। कहेंगे शिया है। आपने शायद हमारी कुछ दिन बैक वाली वीडियो अगर देखें तो मैं उसमें एक पिंक कलर का सूट जो है ना पहनता हूँ, पिंक मतलब कि वैसे वाला है और थोड़ा सा जो है ना एक वैसे वाला है। दो सूट्स हैं मेरे पास जो बेगम साहब ने जो है ना अभी शहर से लेके आई थी, तो वो सिलाई वगैरह करवाएं। उसके ऊपर भी यकीन करें कि मर्द के ऊपर जो है ना ये पिंक कलर जो है ना सूट नहीं करता। आप ये पिंक कलर ना पहने, अहमद भाई पिंक कलर, वो मैंने उठा के रख ही दिए दोनों के दोनों सूट। नहीं क्यों, अब ये ब्लैक वाला मैंने पहना हुआ है तो कहेंगे कि अहमद भाई जेंट्स जो है ना वो ब्लैक कलर नहीं पहनते, कम पहनते हैं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरे दिन इसका भी रख दूंगा मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारा पहनना खाना पीना आप पंखा चला दे, गर्मी लगी अच्छा से। हाय हाय, राजा हीर को पंखा चल रहा है। हीर तो देखो, हीर मोटी है, हीर 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 पंखे दी हील। बच्चे हमारे चावलों के बगैर रहते नहीं है, आज भी चावल बनाए जा रहे हैं, हर दो दिन के बाद चावल इनको हो, हर दो दिन के बाद इनको चावल हो। फरमाइश तो पूरी करनी है, जो चीज बच्चे शौक से खाए ना और पेट भर के खाया, मैं बच्चों को हमेशा वही देनी चाहिए। गर्मियों में जो है ना ब्लैक सूट पहनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब पसीना आता है ना तो काफी सारे इसके ऊपर समझ लें कि पसीने के जो धब्बे हैं ना वो लगना शुरू हो जाते हैं। और अभी देखें मैं यहाँ से गुजर के आया हूँ, ये मिट्टी का धब्बा पहला पहला लग गया, ये चेक करें, ये लगा हुआ है, इसको थोड़ा हाथ मारना, छोटे बच्चे इसलिए लग जाते। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये ब्लैक सूट इस वजह से जो है ना जी थोड़ा सा जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ही ना बोला रखा हुआ है अहमद, ना घर में पहनते हो ना कहीं आने जाने में पहनते हो, अच्छा गर्मी उसको लग रही है, पंखा मैं खुद को जो है ना कर रहा हूँ। मुझे दुआ खा दिया, तुम्हारी सास का प्यार काफी ज्यादा है ना तुमसे, धुएं वाला ना हो, मैं इसको जल देता हूँ पंखा। ये लो, जल गई आग, छोड़ दो, फूंकने से जला दूंगा। अब जल गई है, ओके हो गया। हाँ, लेकिन जो उड़ रहा था वो तो गया ना। आए। अहमद ने मारा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब के काम चेक करें, सुबह हमने चावलों को पानी लगाया, हालांकि दो तीन दिन पहले मुसलसल बारिश थी, अभी तक भी जो है ना जमीनें और ये सारी चीजें गीली पड़ी हैं, लेकिन चावलों को तो पानी की ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो भाई साहब ने क्या काम शुरू किया, अभी मैंने ट्यूबवेल बंद कर दिया था तो भाई साहब ने जो है ना फिर चला दिया और इसको पानी लगा दिया और ये सारा बिका हुआ है अभी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये मसला भी हल हुआ, ये भी जो है ना सारा बिक गया है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं। मैंने उनको तो कहा कि जल्दी जो है ना इसको ख़त्म करो, मुकाओ, ताकि हम जो है ना इसमें कोई दूसरी फसल वगैरह लगाएं। ये चेक करें इसको, हालांकि पानी की नीड ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी सारी ज़मीन अभी गीली पड़ी थी, लेकिन भाई बस उन्होंने लगा दिया, उन्होंने कहा बस ऐसे ट्यूबवेल जो है ना फारे क्यों रुका रहे, और अभी खुद जो है ना मज़े से नहा रहे हैं ट्यूबवेल पे बैठ के। अच्छा, ये हमने रास्ता भी साफ करा दिया है ना, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे यहाँ से जो है ना ऐसे मुड़े हुए थे, यहाँ पर रोड पर आते थे ना तो ये मुँह में लगते थे, तो ये सारी सफाई कराइए, ये सारी, ये देखें, ये सारा रास्ता साफ़ करा दिया। अभी सोच रहा हूँ इस जगह को भी जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ, ये जगह भी और ये जगह भी सारी, ताकि रास्ता जो है ना वो पूरे तरीके से खुल जाए। खाले की भी खटाई जो है ना वो भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी जो है ना वो भी बड़ा परफेक्ट जाता है।
इस जगह से भी कटवा दिया है मैंने, क्योंकि ये रोड के ऊपर जो है ना ऐसे आया हुआ था और लगता था मुंह में आते जाते। चेक कर, या अल्लाह बारिश भेज दे, या अल्लाह बारिश भेज दे। अभी तक पानी यहाँ तक भी नहीं पहुँचा। ये देखे ना, इस तरफ से भी वो सारी खाली हो गई, इधर से कट रहे। अल्लाह करे कि ये 10 दिन के अंदर अंदर अगर खाली हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ जी चावलों की फसल का मज़ा ही आ जाएगा डबल। इधर भी चावल हो जाएंगे, उधर भी चावल हो जाएंगे। ये पसीना पता क्यों आ रहा है? भाई साहब नहा रहे थे और इधर से जो पानी था ना, उनको पता भी नहीं है, ये अगले खेत में जा रहा था, फिर कस्सी लेके उसको बंद किया अच्छे तरीके से, तो ये पसीना ज़्यादा उसी वजह से आ रहा है। अल्लाह, अभी भी जो है ना भाई साहब लगे हुए ये जा करें। बस कर के नहीं मिला हूँ, आ जा। ये चला के मज़े से नहा रहे थे, इनको पता ही नहीं है, वो चेक करें अभी बंद किया है, वरना पानी सीधा जा रहा था। बस ठीक है, आ जा। इसका रास्ता यहाँ से है पानी का, पहले यहाँ पर बंद किया हुआ था लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पानी निकल गया, अभी इस तरफ फ्लो पानी का डबल हो गया, अब ये जल्दी भर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। ओए अल्लाह, वैसे राबिया बारिश ठीक है ना? कम से कम अंदर तो पड़े हुए थे ना, इतनी गर्मी भी नहीं थी ना? हाल ही बदला हो गया। अच्छा जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा आप सबके साथ शेयर करता हूँ और अभी जो है ना वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको जो है ना कुछ पिक्चर्स दिखाई थी 2005 मॉडल गाड़ी एक्सचेंज के हवाले से ना, तो आप में से काफ़ी सारे बहनों ने भाइयों ने कहा था कि अहमद भाई आप जो है ना ये वाली गाड़ी ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके पास जो वैगनार है वो अच्छी है। तो अभी जो है ना एक और भाई के साथ जो है ना हमारी डील हो रही है। ये गाड़ी की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये होंडा सिविक 2008 मॉडल है, होंडा सिविक रिबॉर्न है या जो भी है वो है। तो ये भी देख के मुझे गाइड कीजिएगा कि हमारी जो गाड़ी है वो 2015 मॉडल है और ये वाली जो है ये 2008 मॉडल है। तो ये भी समझ लें काफ़ी पुरानी है, लेकिन आप सब ने बताना है, वो मैंने जो है ना आप सबके, क्योंकि 100% कमेंट्स थे कि अहमद भाई आप ये वाली गाड़ी ना दें, वो वाली ना लें, वो अच्छी नहीं है। तो आप इस गाड़ी के हवाले से आप सब ने बताना है कि ये वाली गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, और अगर अच्छी है तो फिर हमारी आ जाएगी न्यू गाड़ी, हमारे लिए तो न्यू है, हमारी न्यू गाड़ी सरप्राइज। अगर के आप में से 80% कमेंट्स भी हुए कि अहमद भाई आपकी गाड़ी ठीक है, तो फिर हम ये सौदा जो है ना ये डिले कर देंगे, नहीं अहमद ने एक दो बंदों को और भी दिखाई यही गाड़ी, उन्होंने कहा बिल्कुल यस है, गाड़ी तो अच्छी है ठीक है, और वो भी फैमिली यूज में है, जैसे हमारी फैमिली यूज में है ना ये वाली भी फैमिली यूज में। अब आप सब ने जो है ना हमें गाइड भी करना है, बताना भी है। बाकी मॉडल वो 2008 है, हमारी जो है वो 2015 है, और अरशद भाई से भी मेरी बातचीत चल रही है, कराची के हमारे एक भाई है, तो उन्होंने भी कहा हुआ है मुझे कि अहमद भाई आपको जो है ना मैं कराची में ही सेल करा दूंगा। तो देखते हैं जी के बाकी पूरा माइंड जो है ना, मैं चाहता हूँ कि फैमिली गाड़ी हो, जैसे ये रिबॉर्न है ना, ये रिबॉर्न है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई गाड़ी हो जो फैमिली के हिसाब से डिग्गी विग्गी में सामान वगैरह रख के तो बंदा इजी जाए। सबसे ज्यादा तो मैं, अब तो गाड़ी जा ही नहीं सकती ना ही आ सकती है, खैर जिस तरीके से क्रेन से उठा के ले आएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, तो आप सब ने जो है ना लाजमी से गाइड करना है, लाजमी से बताना है हमारी न्यू गाड़ी आए या ना आए। तो इस वीडियो का भी इख्तिताम करेंगे, क्योंकि अभी बेगम साहब मेरे ख्याल में चावलों को दम लगा के आ गए हैं, मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पानी वगैरह पियेंगे जी, बैठेंगे आराम करेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।